एक बहुत ही रोमांचक मुकाबले की उम्मीद। दर्शक उम्र उत्साह और दोनों ही पहलवान आमने सामने। ए गुड्डी बोले ना, ए गुड्डी ढेर भइल चोरवा सिपहिया, ए गुड्डी ढेर भइल चोरवा सिपहिया। ये क्या हो गया प्रधानी मैडम जी, क्या बात होगी? सुबह से मेरी आंख ना फड़फड़ाए जा रही है। बेटा तुम्हें नहीं लगता कि आज तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला है? क्यों मैडम जी, आज डेड सीट आने वाली है क्या? डेड सीट आने वाली है, मुझे तो मामा के घर जाना था। चुप रहे, नौटंकी बाज प्रेयर में चल। So today's topic is percentage. पढ़ना लिखना सीखो, हो मेहनत करने वालो, हो पढ़ना लिखना सीखो, हो मेहनत कर। यू पहले वाला जो क्वेश्चन है ना, यू इंग को जाएगा, दूसरे वाला इंग को जाएगा, तीसरे वाला नीचे को आएगा और चौथे वाला ऊपर को जाएगा। समझ गए ना? वेरी गुड। हाँ जी सर, आगे। वाह बेटे, बड़ी मेहनत चल रही है आज पढ़ाई में। बहुत बढ़िया, खड़े हो जाओ। अब तक जो मैंने पढ़ा है ना, पूरी क्लास को पढ़ाओ। सर आप पढ़ा रहे हो? सर आप पढ़ा रहे हो परसेंटेज। अब परसेंटेज में क्या है? अब जैसे सचिन है, ये पढ़ाई करता है। पढ़ाई क्यों करता है? पास होने के लिए। कितने परसेंट पे पास होता है तू? 33%। 33%। अब देख लो जैसे रोहित है, ठीक है, अब ये पेपरों में नकल वकल चलाता है। क्यों चलाता है? खाजा माँ कसम, माँ की कसम झूठी खाता है। इससे सेक्शन बी की पूनम की कसम खिला। खा पूनम की कसम। करता है ना? क्यों करता है? ताकि पास हो और परसेंटेज आए। हो गया टॉपिक खत्म। कितना आसान था। आ गया समझ? ठीक है, आ गया समझ? आ गया। आ गया समझ? देखा सर, मानते नहीं मानते, क्लास का सबसे होशियार लोंडा मैं ही हूँ। मानता हूं, तुम जैसे होशियार बच्चों की जगह वहां नहीं, यहाँ है। यार तुझे पता है सोनम के सर में जू है? ओ माय गॉड, पता है इसीलिए ना मैं दिन में 13-13 बार नहाती हूँ। बस हाँ, मैं 27 बार नहाती हूँ। इसीलिए तो हम नेचुरल ब्यूटी है, हमारे बाद में होता ही क्या है। बस इतना सा मेकअप? ए इतना सा मेकअप तो रिया प्रेयर में ही लगा ले वे। तब भी इतनी सुंदर नहीं लगती। तू तो जैसे बड़ी हूर की परी है ना। आज से लोग सर नहीं आएंगे, ये पीरियड तुम्हारा खाली है, कोई शोर नहीं मचाएगा। बता कितनी पटकी मारू इसे? अरे बताना कितनी पटकी मारू इसे? अरे सर जी नमस्कार। चलो बच्चों पढ़ाई का टाइम हो गया, चलो चलो।
ये खाली पीरियड तुम्हारा मैं लूंगा, अगला वाला भी मैं लूंगा, और उससे अगला वाला भी मैं ही लूंगा, और उससे अगला वाला तो है ही मेरा। अरे थम जाओ कबूतरों, ऐसे के सब्जियां में तुम कल तक पड़ाओगे, अपने रजाई गद्दा लेके यहीं आ जा। मैं सर आप आई गए हो तो सरप्राइज टेस्ट भी ले लो। सर मैं इस क्लास का मॉनिटर। और ये उन बच्चों के नाम है जो क्लास में शोर मचा रहे थे। ना ऐसा ना वैसा, मॉनिटर हो कतई आपके जैसा। मैं पता है कल ना मैंने फेसबुक पे स्टेटस डाला कि दोस्तों मुझे प्यार हो गया है, पता कितने लाइक्स आए? कितने? 8.5। और पता कमेंट कितना है? कितने? 3 आए 3। और वो तीनों कमेंट तूने अपनी फेक आईडी से करे होंगे। एंजल प्रिया, एंजल सविता, एंजल कविता, पता नहीं कौन। यार अपने इन दोस्तों को ना कुछ तमीज सिखा लो, जहाँ भी मिलते भाभी भाभी करना शुरू कर देते हैं। आज चल इनकी फिल्म बना दूं। अबे सुनो, यहाँ क्या कर रहे हो चारो? आओ छोले कुलचे खाने का टाइम हो गया, चलो। मैडम जी आपके लिए अपने दोस्तों को छोड़ दें, इतने कच्चे अभी हमारे ईमान नहीं है। गुड नाइट। भाई ये जैनमन फर्जी, भाई पे लड़कियां मरती कैसे हैं? गली का जो कुत्ता होता है ना, उसको भी एक पत्थर मारते हैं ना, वो भी भाग जाता है। तुझे मैंने पत्थर क्या ईंटे मारी है, तू कब जाएगा? हाँ भाई से टिप्स लेते हैं। अगर अब की बार मेरा पीछा किया ना तो सीधे प्रिंसिपल से कंप्लेन करूंगी, इडियट कहीं का। अरे जा जा पगली जा, सोचूंगा तेरे प्रपोजल के बारे में भी। अभी तो क्या है ना, मैं कैटरीना और दीपिका को डेट कर रहा हूँ। तेरी जैसी लड़की से हम पीछा छुटाते हैं, हम तो नाक पे बैठी मक्खी भी तलवार से उड़ाते हैं। रोइयो मत मेरी जुदाई में, कभी नसवस काट ले। अरे 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 यार, तुम लोगों को कितनी बार बोला है, तुम्हारी जगह मेरे पाँव में नहीं, यहाँ पर है। भाई वो सब छोड़ो, तुम्हारे पीछे इतनी लड़कियां क्यों पागल हैं? भाई इतनी लड़कियां कैसे फंसा लेते हो आप? लोंडियान का प्यार आगे पीछे डोलता है, क्योंकि तेरे भाई का पैसा बोलता है। पैसा? तुम्हें भी सिखाता हूँ, देखो ये स्नैप ट्यूब है, इसमें क्या है, कोई भी यूट्यूब की वीडियो डाउनलोड करो, देखो आजकल इसमें चल रहा है स्नैप ट्यूब करोड़पति चैलेंज। उसमें क्या है, तुम 12 सवालों के जवाब दो और पैसे जीत जाओ, और अगर तुमने बाय मिस्टेक कोई सवाल का गलत जवाब दे भी दिया तो ये रहा रिबोन कार्ड, इसे यूज करके दोबारा कॉन्टेस्ट खेल लो। भाई ये तो बढ़िया है। इसीलिए तो लड़कियों में हमारे चर्चे हैं, क्योंकि हम करते खुले खर्चे हैं। देखो अब ये सेलेना जोम्स है, ये तेरे भाई की बंदी रह चुकी है, रवीना कंगना ये सब रह चुकी है, तेरा भाई भाव देता है हिसाब से। सभी विद्यार्थी परिवक्ता में वक्ता लाएंगे, स्वयं अपने शरीर के ढांचे को एकत्रित करके स्वर्ग की ओर सिधार जाएंगे। आई वाज द पीटीआई, यू सेल द स्टूडेंट एंड मैडम इज द टीचर। सेल द स्टूडेंट, भाई लगता है पीटीआई सर हमें बेचना चाहते हैं। अच्छा भाई चलो फॉर्म में वापस आ जाते हैं। किंतु तुरंतु परंतु, तुम सारे हो जीव जंतु, नकारात्मकता में सकारात्मकता, सकारात्मकता में नकारात्मकता, स्वरूप के ढांचे से इस तरह मत देखो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आई वॉज द पीटीआई, सी सेल द स्टूडेंट, दिस गर्ल इज लड़की। सेल द स्टूडेंट, सर जी हमें बेचने का प्लान चल रहा है क्या?
आज भी लेट? वो मैडम जी हुआ क्या ना, मेरे दादाजी दादाजी नहीं रहे। कितने क्यूट थे वो। वो मैडम जी दादाजी ने लेट उठाया तो इसलिए मैं लेट आया। आज फिर लेट? वो मैडम जी मेरे उल्टे पांव का ना। भाई की टांग टूट गई। कितनी ब्यूटीफुल टांग थी भाई की। मैम वो उल्टे पांव का जूता नहीं मिल रहा था। भाई तेरा भाई मोटा है क्या? तेरे भाई का पेट निकल रहा है। अबे पागल है क्या? तुझसे तो ज्यादा कोई स्लिम ट्रिम हमारे ग्रुप में ही नहीं है। अरे भाई तुझसे पतला तो मैंने कोई इंसान ही नहीं देखा। भाई फिट पर्सनैलिटी हो आप तो। भाई जो फिर क्लास में आगे लड़के बैठते हैं मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? वो भी लड़कियों के सामने। कहाँ बैठे हैं? वो रे पीछे। क्या चल रहा है बच्चों? बाहर खड़ा है छोटा लाला, जो ना नाचा वो बनेगा हमारा साला। भाई आज से 12वीं के पेपर खत्म, ये कैद भरा स्कूल भी खत्म, अब कॉलेज जाएंगे फुल मजे लेंगे। कल तीनों मिलते हैं, बहुत दिन हो गए। भाई ये स्कूल को हम अपनी कैद समझे करे, लेकिन जो जिंदगी अब हम जी रहे हैं ना असली कैद तो वो है। यह चार दीवारी में तो पूरी मस्ती थी। सही कह रहा है, स्कूल पास किया और पापा ने बिजनेस में डाल दिया और सारी मौज मस्ती पीछे छूट गई। 3 साल हो गए घर वाले SSC की तैयारी करवा रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा, बस जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं। वो दिन वापस तो नहीं आ सकते, तो क्यों ना आज उन बीते दिनों को याद किया जाए। हम रहे या ना रहे कल, कल याद आएंगे ये पल पल, ये है प्यार के पल। चल आ मेरे संग चल चल, सोचे क्या छोटी सी है जिंदगी, कल मिल जाए तो होगी खुश नसीबी। हम रहे या ना रहे याद आएंगे ये पल, हम रहे या ना रहे कल कल याद आएंगे ये पल पल, ये है प्यार के पल। जिंदगी अधूरी है इन लम्हों के बिन, काश कोई लौटा दे स्कूल के वो दिन। जिंदगी की हम अपनी भागदौड़ में अपने स्कूल कॉलेज अड़ोसी पड़ोसी
सभी दोस्तों को भूल जाते हैं। तो क्यों ना ये वीडियो इन्हीं लोगों को दिखाई जाए और इनको बताया जाए कि ये लोग हमारे लिए कितने जरूरी हैं।